हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। सौभाग्य सुंदरी तीज व्रत, तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि व महत्व। सौभाग्य सुंदरी व्रत खास तौर पर सुहागन महिलाओं का त्यौहार है। महिलाएं इस व्रत को अपने सौभाग्य की कामना और संतान सुख की प्राप्ति के लिए रखती हैं। शास्त्रों की माने तो यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य का वरदान माना गया है। इसे सौभाग्य सुंदरी तीज के नाम से भी जाना जाता है और यह व्रत करवा चौथ के समान ही बताया गया है। आज हम आपको सौभाग्य सुंदरी व्रत, तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और इसके महत्व के बारे में बताएंगे। सौभाग्य सुंदरी व्रत, तिथि व शुभ मुहूर्त। सौभाग्य सुंदरी व्रत महिलाओं के लिए बहुत ही खास और करवा चौथ के समान ही फल देने वाला होता है। साल 2018 में सौभाग्य सुंदरी व्रत 25 नवंबर रविवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इसे गौरी द्वितीया, सौभाग्य शयन व्रत व सौभाग्य सुंदरी व्रत आदि नामों से जाना जाता है। सौभाग्य सुंदरी तीज व्रत पूजन सामग्री। पूजन सामग्री के रूप में फूलों की माला, फल फूल, भोग के लिए लड्डू, पान, सुपारी, इलायची, लौंग, सूखे मेवे, 7 प्रकार के अनाज और साथ ही 16 श्रृंगार की सभी वस्तुएं माता को अर्पित करना बेहद ही शुभ होता है। सौभाग्य सुंदरी तीज व्रत पूजन विधि। शास्त्रों के अनुसार सौभाग्य सुंदरी तीज व्रत के दिन सर्वप्रथम प्रातःकाल उठकर स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। महिलाओं को 16 श्रृंगार कर तैयार होना चाहिए और पूजा स्थल पर एक वेदी बनाकर उस पर माता गौरी की प्रतिमा रखें। सर्वप्रथम श्री गणेश जी का ध्यान कर माँ गौरी के साथ उनके पूरे परिवार की पूजा अर्चना विधिवत करें। पूरा दिन व्रत रखकर रात्रि के समय पूजा के बाद व्रत खोला जाता है और भोजन में दूध से बनी चीजों का सेवन किया जाता है। सौभाग्य सुंदरी तीज के दिन इस तरह व्रत रखकर महिलाएं अखंड सौभाग्य और संतान सुख का वरदान प्राप्त करती हैं। सौभाग्य सुंदरी व्रत का महत्व। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इस व्रत के प्रभाव से महिलाएं मनोवांछित पति, अखंड सौभाग्य और पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त करती हैं। माता पार्वती महिलाओं को उनके सुख सौभाग्य में वृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि जिन लड़कियों के विवाह में देरी हो रही हो तो उनके लिए यह व्रत बहुत ही फलदायी होता है। यदि इस व्रत को सच्चे मन और पूरे विधान से किया जाए तो यह वैवाहिक सुख और दाम्पत्य जीवन में वृद्धि करने वाला माना गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हों तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।